Good morning and assalamu alaikum. This is Amna Shah. We are here today at Korangi Academy at Korangi. And this is an amazing school and an amazing project by Infaq Foundation, where they are providing education to the underprivileged children. Today we are here for a meeting with the management. And you are watching, I will show you how beautiful a school they have made here at the Korangi site area. And they are changing lives. People, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि people in Pakistan are doing nothing और हम लोग जो हैं वो grow नहीं कर रहे और कोई काम नहीं कर रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन ऐसे projects को देखकर हमें पता चलता है कि लोग बहुत काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए. So join me for this footage and just witness how beautiful these teachers are and how amazing the work is. I'll take you through the school now. और आप इसकी जो construction देखिए, आप इसका area देखिए, आप उसकी एनवायरनमेंट को देखिए कि कराची का कोई स्कूल जो है, जो सिटी स्कूल है, उसी के लेवल का, उसी की क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके लिए हम लोग काम करेंगे. और दिस इज़ हाउ यू कैन जॉइन हैंड्स विद अस एंड यू नो डोनेट थिंग्स यहाँ पर और यहाँ के बच्चों के लिए जिनको वाकई आपकी ज़रूरत है, उनके लिए आप डोनेट कीजिए एंड मेक देयर लाइफ बेटर, मेक पाकिस्तान्स फ्यूचर बेटर. सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दिस स्कूल एंड शो यू हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. दिस इज़ द एंट्रेंस. ये आप जो एरिया देख रहे हैं ना, ये कम्प्लीटली डोनेट किया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए. दैट्स द गेम फील्ड आप जो देख रहे हैं. एंड देन वी हैव दिस अमेजिंग ऑडिटोरियम. क्या कोई कराची का ऑडिटोरियम होगा जो यहाँ का ऑडिटोरियम है इस कदर फैसिलिटेटेड. एंड देर आर इवेंट्स जो कि हम कुरंगी एकेडमी के पेजेस के ऊपर अपलोड करेंगे और यहाँ पर भी शेयर करेंगे, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं लोग किस तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करे हुए हैं. दिस इज़ वेयर द प्ले एरिया इज़ एंड लेट्स जस्ट सी द बिल्डिंग फॉर वंस. दिस इज़ हाउ इट इज़. एनवायरमेंट आप देखिए, बहुत कूल एनवायरनमेंट है, खुली जगह है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को के फ्यूचर को ग्रो करने के लिए बहुत अमेजिंग जगह है. दिस इज़ बेसिकली द कॉरिडोर्स दैट वी आर गोइंग इनटू. और ये इनके ऑफिसेज हैं. आप देख रहे हैं कि किस कदर कुशादा और वाइड स्पेस को लेकर उन्होंने एक स्ट्रक्चर डिवेलप किया है. वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द चिल्ड्रन. लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू अ फ्यू क्लासेस. अगर आप हमारे कोरंगी एकेडमी के पेज को ज्वाइन करें तो यू वुड विटनेस के हाउ दीज अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन वर टेकन और वहाँ पर उनको स्कूल में तालीम दी जा रही है बहुत कम फीस के ऊपर. इनको कोर्सेज और इनके यूनिफॉर्म्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री दी जाती हैं. और ये बच्चे जो हैं वो बहुत टॉप क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और इनकी जो टीचर्स हैं वो भी बहुत हाईली प्रोफेशनल टीचर्स हैं. इवन कोरंगी एकेडमी इज़ नोन फॉर गेटिंग अवार्ड्स एंड प्राइजेस थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन्स दैट टेक प्लेस इन पाकिस्तान. और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो एनएडी डाउ यूनिवर्सिटी में जो है वो टॉप स्कोर्स हैं. हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट करते रहेंगे. कैन यू जस्ट लुक एट द वे दिस बिल्डिंग इज़ क्रिएटेड. सो वाइड और कितना कुशादा ये इमारत है और कितना बड़े पैमाने के ऊपर स्टूडेंट्स को ये लोग यहाँ पर जो है वो एजुकेशन देते होंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ कम्प्लीटली अ चैरिटेबल स्कूल जहाँ पे आप लोगों की ही डोनेशन से बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं. आप लोग यहाँ पर कोरंगी एकेडमी के पेजेस के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर जाकर डोनर बन सकते हैं और एक बच्चे की तालीम को अपने ज़िम्मे ले सकते हैं. ये जैसे कि हम सबको मालूम है, इट इज़ अ सदका जारिया तालीम किसी को इंश्योर करना और सारी ज़िंदगी जो है वो उस बच्चे की भी बन जाएगी और आखिरत जो है वो आपकी बन जाएगी. लेट्स जस्ट गो थ्रू द स्कूल. आप देख रहे हैं ये बोर्ड्स बच्चों ने क्रिएट किए हैं. इट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट. इट्स अ बिग प्रोजेक्ट जिसमें हमें अब आपकी ज़रूरत है कि आप आएं और हमारे साथ मिलकर काम करें. ये वो बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अंडर प्रिविलेज हैं, बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं. और सलाम है उन टीचर्स को जो शहर से बाहर 2 घंटे का सफ़र तय करके आती हैं और आकर यहाँ पर टीच करती हैं.
और ये वो बच्चे हैं जो कि यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं लेकिन उनके घर का माहौल इस तालीम को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एवरी डे दैट द टीचर टीचेस देम दे गो बैक टू एन एनवायरमेंट जहाँ पे वो उस तालीम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ना कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, दे डोंट हैव फैसिलिटीज़ एट देयर होम। तो सवाल ये है ना कि टीचर्स फिर हर रोज़ नए सिरे से मेहनत करती होंगी, तो फिर आप समझ गए होंगे कि हम इस कॉज के लिए क्यों इस कदर कोशा हैं। और जॉइन अस इन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस एंड यू वॉन्ट रिग्रेट इट। यू कैन विजिट द कोरंगी अकेडमी, यू कैन विजिट द वेबसाइट, यू कैन विजिट आवर फेसबुक पेज टू विटनेस के इनकी अकम्पलिशमेंट्स और इनके अवार्ड्स क्या हैं, एंड टुगेदर वी कैन मेक दिस पाकिस्तान बेटर प्लेस टू लिव इन। थैंक यू।